There are two tuning forks, A and B. ठीक है, A और B है ना, producing producing beats. ये हमारा beat frequency produce कर रहे हैं. ठीक है, producing beats, producing beat at 4 hertz. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारा 4 hertz है ना बेटा. ये हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू 100 hertz. ठीक है, अब कहता बेटा इफ ए इज लोडेड, अगर ए को हम लोड करते हैं ना बेटा, तो कहता है बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है ना बेटा. तो कहता है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. ठीक है बच्चा, करो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चा. सर आज ओवर हो जाएगा चैप्टर? नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा. सर फर्स्ट क्वेश्चन है सर. सर फर्स्ट क्वेश्चन है सर. ठीक है. सर 96. 96. सर 96104. 96104. दो वैल्यूज आ सकती हैं मॉड्यूलस के. सर और की बता बच्चा. 96 hertz. ओके, देख तो बच्चा, इस सवाल में सिर्फ इतना हमें पता है कि ए और बी का डिफरेंस 4 hertz है ना बेटा. इसका मतलब एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4 hertz. बोलो बेटा, या फिर एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 4 hertz. बोलो बच्चा, है ना. अब देखो इस सवाल का बेटा, ये स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है ना बेटा, कि ए को अगर हम लोड करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी घट रहा है. तो बोलो तो बेटा, ए को लोड करेंगे तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा. ए का घटेगा ना बेटा. तो बताओ, ए का घटने से बीट फ्रीक्वेंसी घट रही कि नहीं? नहीं, ए डिक्रीज करेगा तो बीट बढ़ेगा ना बेटा. यस, ये गलत है और ये सही है, है ना बेटा. इसका मतलब 100 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 4. इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 96 hertz. बोल बेटा, बात समझ गया? लिख ले बच्चा. इरेज कर दूं? यस. देख बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग है
इसको फिक्स कर दिया दोनों एंड पे, इसकी लंबाई है बेटा 6 सेंटीमीटर और लीनियर मास डेंसिटी ये हमारा है बेटा 40 ग्राम पर मीटर। ठीक बच्चा, और कहता है कि इसमें हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है बेटा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 104 हर्ट्ज, है ना। तो सवाल कहता है कि द ट्यूनिंग फॉर्क द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन, दूसरा पेज है बेटा ये। अच्छा ठीक है सर। द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवर टोन, द स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवर टोन produces 4 beats per second, 4 beats per second with a tuning fork as in the figure। ठीक है बेटा, अब कहता है कि इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग स्लाइटली डिक्रीजेस, है ना बेटा, अगर स्ट्रिंग के टेंशन को हम हल्का सा कम करते हैं, है ना बेटा, देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है ना बेटा। तो कहता है फाइंड ओरिजिनल टेंशन। ठीक है, चलो बनाओ। सिक्सटी फोर। और कोई बताओ बेटा। सर 576 आ रही है। 576 नहीं सर, सेकंड ओवर टोन में है सर, सॉरी सर, सर 64। यस सर। ओके, देखते बच्चा। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, ये हमारा 4 है ना बेटा।
या फिर क्या होना चाहिए बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 4, बोल बेटा ये होना चाहिए ना। अब देखते बेटा, अब कहता है टेंशन इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, है ना बेटा, हमें टेंशन कम किया, तो बोलो बेटा टेंशन कम करने से वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगी, कम हो जाएगी वेलोसिटी, कम हो जाएगा वेलोसिटी। अगर हमारा कम हो गया बेटा, इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी घटेगी, कम हो जाएगा, कम है ना। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो गई बेटा, तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कम होने से बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो बोलो इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं? नो सर, नहीं ना बेटा, बोलो इसका मतलब गलत है ना पहला वाला, इसका मतलब फर्स्ट गलत है सेकंड सही है, बोलो तो क्या क्लियर हो गया बेटा हमें कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ, 100 हर्ट्ज, बता बच्चा यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये वाला फिर से बता दीजिए सर। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग स्लाइटली डिक्रीजेस, अगर टेंशन को हल्का सा कम करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दिखा लाइन, यस सर। ऊपर वाला होना चाहिए ना सही, अगर टेंशन में हम घटाते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो बताओ टेंशन कम करेंगे अगर हम, है ना बेटा, टेंशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी, बोलो ये भी घटेगा ना बेटा, बोलो, यस सर। तो बताओ स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अभी कम करो तो डिफरेंस क्या होगा, यस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन सवाल में क्या कहा था, ये इंक्रीजेस, समझ में आ गया कि ये गलत है, यस यस। अब बताओ ये थर्ड ओवरटोन है बेटा, कहाँ लिखा है, आ गया सेकंड ओवरटोन है, बोलो बेटा सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 3V/12L, है ना बेटा, ठीक है। और ये हमको दिया है बच्चा 100, तो कितना हो जाएगा, B इक्वल टू बताओ 100 इंटू 2 इंटू 0.6 बाई 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 4.4, तो ये हो गया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, बोलो बच्चा होगा, तो टेंशन T कितना होना चाहिए बच्चा, म्यू वी स्क्वायर ना, कितना म्यू देखो 40 ग्राम पर मीटर, 40 इंटू 10^-3 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 1600, ठीक, तो 1, 2, 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा ये 64 न्यूटन, समझ गए, लिख लो। हो गया सर, डन सर, बेटा तू बच्चा, यस सर, ओके सर, देख बेटा अब देख बच्चा, बात की जाए डॉपलर इफेक्ट की, ठीक है बेटा, तो देख बच्चा डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, डॉपलर इफेक्ट कहता है बेटा ये, है ना, कि ऑब्जर्वर और सोर्स, है ना बेटा, जब ये मूव कर रहे हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो सोर्स मूव कर रहा हो, या सोर्स मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, है ना बेटा, मतलब आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना बेटा, तो हमारी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी और जो ऑब्जर्वर सुनेगा फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होगा, ये बात सुना बच्चा, मैंने कहा कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी हो, है ना बेटा, तो फिर वो दोनों की वजह से मोशन की वजह से जो ऑब्जर्वर होगा बेटा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा, ठीक है, है ना। अब तुम बताओ बेटा, कभी तुम एरोप्लेन के ऊपर के जाने की आवाज सुनते हो, कभी सुना है तुमने, छत पे खड़े होकर के, कभी गौर किया इस बात पे, ये तुम खड़े होते हो छत पे
और यू देखते हो बेटा कि एरोप्लेन दूर से आ रहा है ना, दूर से आ रहा बेटा एरोप्लेन, तो तुम्हारे ऊपर से निकल गया। तो बेटा जब तुम्हारी तरफ आ रहा होता है और जब दूर जा रहा होता है ना बेटा, ठीक है, तो तुमको उन दोनों केस में बेटा उसकी आवाज में थोड़ी अंतर सुनाई देगी तुमको। यस सर, यस सर बेटा, ठीक है। तो जो आवाज में अंतर है बेटा वो किसकी वजह से है, पिच की वजह से। जब आ रहा होगा ना और तुमको ज्यादा पतली आवाज लगेगी उसकी, लेकिन जब बाहर निकलेगा है ना बेटा, तो थोड़ी मोटी आवाज लगेगी, भारी आवाज लगेगी उसकी। बात समझाना बच्चा, ठीक है। तो ड्रॉपर इफेक्ट किसके बारे में है बेटा, ये किसके बारे में है, तो कहोगे हमारा किसके बारे में बेटा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, अदर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, अदर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, किसकी वजह से, तो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स, ऑब्जर्वर या सोर्स कोई भी मूव करे है ना, ठीक बेटा। तो फिर देखो बेटा, अब हमारे मन में डाउट हो सकता है कि मान लो अगर ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करे सोर्स की तरफ है ना बेटा, या फिर ये हो सकता है कि सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है कि डिफरेंट है, दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है बच्चा, सेम है कि नहीं। तो हमें चेक करना है क्या दोनों ही चीजें एक जैसी हैं, पता करते हैं। तो ऐसा पता करने के लिए मैं लिया केस वन, केस वन में कहा बेटा मैंने मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है ना बेटा, सोर्स जो है वो क्या है, मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है। ये देखो बेटा सोर्स, ये देखो बच्चा ऑब्जर्वर। मैंने कहा मान लो अभी जो इसके बीच की दूरी है बेटा ये एक्स है, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की दूरी एक्स है ना बेटा, ठीक। ऑब्जर्वर हम कंफर्म जानते हैं कि वो रेस्ट में है ना बेटा, लेकिन सोर्स मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी एस, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है ना बेटा, फोकस करना, बोलते बच्चा। अभी वाले कंडीशन में है ना, अगर मान लिया जाए कि सोर्स अभी कोई डिस्टरबेंस दिया, सोर्स अभी हवा में कोई डिस्टरबेंस दिया, कब दिया, टी बराबर जीरो पे है ना बेटा, तो तू मुझे बताओ क्या ये साउंड निकलते ही सुन लेगा, ये नहीं डर लगेगा, क्यों 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 बताओ, डिस्टरबेंस वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि डिस्टरबेंस को वहां पहुंचने में समय लगेगा है ना बेटा। अभी के कंडीशन में साउंड जो है ये ऐसे जा रही है ना बेटा, बोलो है ना, और साउंड की स्पीड जो है बेटा वो तो एक फाइनाइट वैल्यू होगी है ना। तो अगर मैं कहूं इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ रिसीविंग फर्स्ट डिस्टरबेंस है ना बेटा, पहला डिस्टरबेंस जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा है ना, वो कब करेगा बोलो, कितना समय लगेगा, t1 = x by v ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा थोड़ी देर बाद ये सोर्स दूसरा डिस्टरबेंस देगा ना, एक साइकिल पूरा होने के बाद, तो एक साइकिल पूरा होने के बाद मतलब t बराबर टाइम पीरियड, हेलो t बराबर टाइम पीरियड, लेकिन बेटा सोर्स रुका हुआ तो नहीं है, ये तो मूव कर रहा है ना, इसके मतलब अगले डिस्टरबेंस आने तक सोर्स यहां पहुंच जाएगा। यस सर, है ना बेटा, बोलो सोर्स कितना मूव कर चुका होगा, Vs into t है ना। अब जा करके वो यहाँ पे डिस्टरबेंस अगर देगा बेटा है ना, तो फिर इसे पहुंचने में टाइम लगेगा। यस सर, तो अगर मैं लिखूं इंस्टेंट ऑफ टाइम,
instant of time of receiving second disturbance, दूसरा disturbance वो कब सुनेगा? बोलो 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 कितना? तो कहेंगे देखो बेटा इस समय तो इमिट किया है, इस समय तो इमिट किया ना, तो इतना समय तो पहले खत्म हो चुका है, इसके बाद और समय लगेगा साउंड को यहाँ जाने में, कितना समय लगेगा? x माइनस y बोल बेटा, है ना? ठीक है, तो बताओ पहला जो ऑब्जर्वर सुना, ऑब्जर्वर ने जो पहला डिस्टरबेंस रिसीव किया और जो दूसरा रिसीव किया, है ना बेटा, है ना? तो ऑब्जर्वर तो यही बोलेगा ना कि इसका मतलब टाइम पीरियड इन दोनों का डिफरेंस है, बोलो बेटा, है ना? क्या बोलोगे? अपेरेंट टाइम पीरियड, अपेरेंट टाइम पीरियड जो ऑब्जर्वर को लगेगा वो कितना लगेगा टाइम पीरियड लगेगा, बोलो? T2 minus T1. Yes sir. Yes, sir. ना बेटा, तो डिफरेंस करो, तो डिफरेंस करोगे तो देखो x by v कट जाएगा ना, क्या बचेगा तुम्हारा? t of 1 minus vs by v, बोल बेटा, देख लो x by v कैंसिल, तो खाली यही ना बचा t minus vs t by v, बोलो, ठीक है? तो अगर मैं कहूं apparent frequency, अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो क्या कहोगे? उल्टा कर दोगे ना इसका, बोल बेटा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी बेटा, है ना, इफ डैश ये क्या होगा? 1/t, उल्टा कर देंगे तो 1/t होगा, तो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा ना बेटा ये, और ये भी उल्टा होगा तो क्या? वी अपॉन माइनस वी एस, बोल बच्चा, यस सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो देखा बेटा हमने कि फ्रीक्वेंसी जो है बदल गई ना, बोलो बेटा, तो बताओ ये एफ ज्यादा सुन रहा है कम सुन रहा है? एफ डैश की वैल्यू एफ से बड़ी की छोटी? बड़ी है, बड़ी है। हाई पिच की लो पिच? हाई पिच। हाई पिच मतलब पतली आवाज या मोटी आवाज? पतली आवाज, समझे बच्चा? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बदल गई है, समझ में आ गया हम लोग को, है ना? चलो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, अपेरेंट वेवलेंथ, है ना बेटा, एक बार देख लिया जाए कि वेवलेंथ भी चेंज करता है क्या, अपेरेंट वेवलेंथ, है ना बेटा? तो अपेरेंट वेवलेंथ क्या होगा बोलो? लैम्डा डैश, तो लैम्डा इक्वल टू वी बाय बोलते हो ना? यस सर, बोलो बेटा, है ना? यस सर, वी बाय बोलते हो ना? यस सर। तो ऐसे बोले कि अपेरेंट वेवलेंथ बराबर अपेरेंट वेलोसिटी बाय अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वर को महसूस होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो ऑब्जर्वर को महसूस होगा वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो, है ना? तो बोल दो बेटा ऑब्जर्वर अभी के रेस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी कितनी है? रेस्ट में ना है अभी, है ना? डिवाइड बाय वी डैश, बोलो तो क्या आया? वी माइनस वी एस बाय एफ, सही है ना? तो बी बाय एफ क्या हो गया? लैम्डा माइनस वी एस बाय एफ, बोलो बेटा, यस सर, है ना? तो क्या कहोगे? अपेरेंट वेवलेंथ क्या घट गया कि बढ़ गया? अपेरेंट वेवलेंथ घट गया कि बढ़ गया? घट गया, है ना बेटा? तो अपेरेंट वेवलेंथ हमारा घट गया। अच्छा यहाँ देख के कितने बाद में कंफ्यूज ना कर जाओ, रुक जाओ, ठीक करने दो मुझे, नहीं तो होगा ये कि बाद में देखोगे और तुम बोलोगे अच्छा बी अपेरेंट तो बी माइनस बी एस है ना, एफ है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा बाद के लिए, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं v डिवाइडेड बाय f ऑफ v अपॉन v माइनस vs, ऐसे लिख लो,
नहीं तो बाद में कंफ्यूज कर जाओगे तुम। सर बोलो। सर ये जो वी है सर वो क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाँ साउंड की वेलोसिटी और वी एस सोर्स की वेलोसिटी। सर जो पहले डिस्टरबेंस में सर जो उसने जो टाइम लगा T1 सर उसमें हम लोग ने सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड ही यूज किया जबकि जो सोर्स है वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो हमें उसका भी तो साथ में रखना चाहिए सोर्स की वेलोसिटी। मतलब अच्छा बताओ जैसे मान लो तुम मेरे सामने खड़ी हो मैं यहाँ खड़ा हूँ ठीक है। यस सर। अगर मान लो पेन यहाँ से फेंकू मैं है ना तुमने कैच किया पेन को ठीक है तब बताओ पेन अगर फेंक करके अगर मैं रुका रहा हूं ठीक है। दूसरा केस पेन अगर फेंक करके मैं दौड़ना शुरू कर दूं और तुम्हारे पास पेन पहले कब पहुंचेगा? जादू हो जाएगा ये तो। बोलो बोलती नहीं है सर। एक ही टाइम पे ना। हाँ सर। टीवी की कहानी क्या है? सोर्स जो है हवा के लेयर को डिस्टर्ब किया। यस सर। है ना तो हवा के लेयर को डिस्टर्ब किया तो हवा तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ गई। यस सर। वो डिस्टरबेंस तो आगे बढ़ गया यहाँ से अब क्या मतलब ही तो अलग हो गया इससे। यस सर। यस सर। है ना साउंड जो है बेटा वो सोर्स पे राइड थोड़ी करता है। तो सोर्स जब मूव करेगा ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई पड़ेगी और वेवलेंथ कम सुनाई देगा। है ना बेटा? हो गया सर। तो नहीं होगा। लिया बच्चा? यस सर। यस सर। अब उल्टा किया जाए अब ऑब्जर्वर को मूव कराया जाए है ना और सोर्स को किया जाए स्टेशनरी और फिर देखा जाए क्या इफेक्ट पड़ता है। मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। ठीक है बेटा तो देखो तो अब मैंने कहा कि ऑब्जर्वर बेटा मूव कर रहा है। ठीक है चलो मान लो ये ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ओ वेलोसिटी ऑब्जर्वर। सोर्स तो अपनी जगह पे रहेगा सोर्स मूव नहीं करेगा है ना बेटा। सोर्स हमारा अपनी जगह पे फिक्स्ड है बेटा अब तो ये रेस्ट में है ना। अब देखो बेटा ये मूव कर रहा है तो कुछ देर अगर पहले की बात करो तो क्या कहोगे पहले वाले केस में है ना बेटा हो क्या रहा है बताओ कि सोर्स तो एक ही जगह पे खड़ा हुआ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है बोलो है ना बेटा। तो साउंड जो है इस हवा में ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी बोल बेटा है ना लेकिन ऑब्जर्वर क्या करेगा दौड़ करके पकड़ लेगा साउंड को बोलो है ना। तो बोलो साउंड के रेस्पेक्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो गया अभी x by v plus v not बोलो बेटा। ठीक है ये पहली बार सुनेगा साउंड है ना बच्चा। और अब मैं कहूं कि अगला डिस्टर्बेंस तब देगा बेटा ये तब तक तो ऑब्जर्वर यहां पहुंच चुका है ना कितना आ चुका है बेटा पास ये v ऑब्जर्वर इंटू t है ना साउंड फिर ट्रेवल कर रहा है इसकी तरफ है ना बेटा। तो कहेंगे इस बार कितना समय कैच करेगा तो कहेंगे इतने समय बाद तो इमिट किया वो अब कुछ समय पहुंचने में भी लगेगा तो क्या होगा बेटा कहोगे वी नहीं
x माइनस VOT डिवाइड बाय V प्लस VO. बोल बेटा. यस सर. समझ में आया? यस सर. अब अगर इनको डिफरेंस किया जाए तो क्या दिख रहा है बेटा? x वाला टर्म दोनों में कैंसिल, x वाला टर्म कैंसिल, तो क्या बचेगा? T ऑफ 1 माइनस V नॉट बाय V प्लस V नॉट. बोलो बेटा, होगा ना? T ऑफ 1 माइनस V नॉट बाय V प्लस V नॉट, है ना बेटा? ठीक. इसका मतलब कितना हो गया ये? T कॉमन कर लो, कितना है ये? ऊपर हो जाएगा V और नीचे हो जाएगा V प्लस VO, है ना बेटा? तो इसको अगर उल्टा करोगे तो बनेगा फ्रीक्वेंसी. बोलो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? VO प्लस VO अपॉन V, है ना बेटा? ठीक. अब यहां देखो, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड. अब ये जा रहा है V से, ये आ रहा है V नॉट से, तो इसको क्या लगेगा? साउंड कितने स्पीड से आ रही है? V प्लस V नॉट. बोल बेटा, है ना? यस सर. और डिवाइड करेंगे इससे हम लोग, V प्लस V नॉट बाय V, है ना? तो क्या दिख रहा है बेटा? V बाय F आ जाएगा ना. बोलो. बोल बेटा. यस सर. तो क्या दिखा? ऑब्जर्वर अगर सोर्स के पास जा रहा है तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. लेकिन वेवलेंथ पे असर नहीं पड़ा ना. ऑब्जर्वर के मूव करने से वेवलेंथ पे असर नहीं पड़ता है ना बेटा, है ना? लेकिन वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ता है ना? तब बताओ, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स मूव करे या सोर्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों कहानी एक जैसी है क्या? नहीं. दोनों का रियल डिफरेंट आया ना बेटा. यस सर. इस बात का ध्यान रखें हम लोग. देखिए बच्चा, बस एक मिनट. नहीं सर, एक मिनट. हो गया सर. देख लिया बच्चा? तब देखो, ऐसा भी हो सकता है ना बेटा कि सोर्स ऑब्जर्वर दोनों मूव करे. बोलो बेटा. तो उसका अलग से ड्राइव नहीं करेंगे बेटा हम लोग, है ना? इसी को मान लेंगे कि दोनों का सुपर पोजिशन है, है ना? In case of both source and observer moving. ठीक है बच्चा, क्या लिख देगा? F dash equal to F V
प्लस माइनस वी ओ वी प्लस माइनस वी एस, बोलो बेटा है ना। अब प्लस और माइनस तुम एडजस्ट करोगे है ना बेटा, ये सोच के तुम प्लस माइनस करोगे बेटा एडजस्ट है ना, कि अप्रोचिंग इंक्रीजेस एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, एंड रिसीडिंग डिक्रीजेस। समझे बेटा, अगर दो चीजें सोर्स और ऑब्जर्वर अगर पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और दूर आएगा तो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो। मैंने कहा मान लो ये सोर्स, मैंने कहा मान लो ये ऑब्जर्वर, ये मान लो इधर जा रहा है बेटा विद वेलोसिटी वीएस, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी ओ बी ओ है ना। तो क्या करना, देखो वैसे बोलना एफ डैश बराबर एफ, कैसे लिखना है सीख लो। एफ डैश बराबर एफ, पहले ब्रैकेट में आना, लाइन खींचना, ऊपर वी नीचे वी, ऊपर वी वी ओ नीचे वी एस, लिख दिया ऐसा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ ये सोर्स जो है इसके पास जाना चाह रहा है कि दूर जाना चाह रहा है। पास जाना चाह रहा है। करना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी घटाना चाह रहा है कि बढ़ाना चाह रहा है। बढ़ाना चाह रहा है। तो बताओ इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या रखोगे, प्लस की माइनस? माइनस। करेक्ट। अब बताओ ये दूर जा रहा है कि पास जा रहा है? दूर जा रहा है। ये दूर जाए क्या करना चाहता है? घटाना चाहता है। तो प्लस की माइनस? माइनस। आगे बात समझ में, कैसे करना है एडजस्ट? तो ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि वीओ और वीएस तुमने उस वेलोसिटी की बात की है जो वेलोसिटी उन दोनों के जोड़ती हुई लाइन के पैरेलल है ना बच्चा। जैसे कि मान लो अगर ये सोर्स हो है ना बेटा और ये ऑब्जर्वर हो है ना बेटा, तो तुमने क्या कहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ऑन दिस लाइन ना बेटा, बोलो है कि नहीं। लेकिन मान लो कभी ऐसा कहानी अगर हो जाए कि सवाल में तुम्हें ऐसा दिया हुआ हो कि जो सोर्स है बेटा वो ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन है ना बेटा, और ये ऐसे मूव कर रहा हो विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू, ये एंगल अल्फा पे हो और ये एंगल बीटा पे हो है ना बेटा। ठीक है, तो तुम यही कहना कि ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का कौन है? तो कहेंगे वो वाली वेलोसिटी जो इस लाइन पे आती हो। बोल बेटा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ वी एस का मतलब क्या हो गया V1 cos अल्फा और यहाँ वी ओ का मतलब क्या हो गया V2 cos beta। बोल बच्चा, ठीक है ना। तो अब बताओ बेटा ऑब्जर्वर्स और सोर्स के बीच में कौन सा मीडियम है? एयर है ना बेटा। तो कभी ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि हवा चल रही हो। यस सर, तो फिर सर विद रिस्पेक्ट टू एयर है कि नहीं, तो क्या कहेंगे इन केस ऑफ विंड अगर हवा चल रही हो बेटा है ना, तो क्या करना v जो लिखे उन्होंने यहां पहले उसमें करना है ऐसे वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, प्लस कब करना है बताओ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो है ना बेटा। माइनस कब करना है? अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है बच्चा, लिख लो। डन सर। ओके बच्चा।
देखते बच्चा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक ऑब्जर्वर नहीं, ये सोर्स, ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 200 हर्ट्ज, ठीक है बेटा, और हवा जो है बेटा ये ऐसे चल रही है विंड, है ना, और विंड की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये हमारा है बेटा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना बेटा, और कहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का मतलब क्या हुआ, एयर के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा, कितना है वो 300 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल है फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। देख बच्चा मैं करता हूं, देखते बेटा सॉल्यूशन, F' इक्वल टू F, F कितना हो गया बेटा 200 इनटू, अब देखो बेटा अभी वाले कंडीशन में साउंड बच्चा ऐसे ट्रेवल करेगा ना, बोलो तो क्या हुआ, साउंड और विंड हो गया सेम डायरेक्शन में ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 10, नीचे भी 300 प्लस 10, है ना बेटा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, दूर जा रहा बेटा ना, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कहाँ लिखते हो, ऊपर ना, और सोर्स की नीचे लिखते हो ना तुम, तो सोर्स छोड़ दो, सोर्स रेस्ट में है, ये क्या करोगे बोलो, दूर जा रहा है, तो -20 ना बेटा बोलो, ठीक है, अब क्या कहेंगे, अब ये हो जाएगा 200 इंटू, ये हो गया बेटा 290 डिवाइड बाय 310, तो सही बोला था ये 5800 by 31 हर्ट्ज, ठीक है बच्चा। अच्छा अब चलो पोजीशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर हम इंटरचेंज कर दें, अब यहां पहुंचा दें सोर्स, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी भी सेम, सोर्स यहां पहुंचा दें अभी भी सोर्स रेस्ट में, और इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, अब बोलो कितना होगा,
सर 180 कितना बेटा 180 बाकी लोग भी कर लो 220 सर 6200 by 29 हाँ सर 6200 by 29 चलो मैं भी करता हूँ इस बार क्या मॉडिफाई किया बेटा डेड किया इस बार सर वो सबट्रैक्ट हो गई ना विंड की वेलोसिटी सर साउंड की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी साउंड की वेलोसिटी चेंज उल्टी डायरेक्शन होगी ना सर विंड और उल्टी डायरेक्शन हो जाएगा तो 290 हो जाएगा माइनस हो जाएगा और सर वो उधर प्लस 20 हो जाएगा यस सर देख बच्चा मिल गया देखो बेटा ये प्लस जो क्या हो जाएगा हमारा साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी बेटा अपोजिट डायरेक्शन मैंने बोलो अब साउंड यू आएगी ना बेटा अब तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस अब ये पास जा रहा है बेटा तो प्लस ठीक है बेटा तो ये हो गया हमारा 31 ये हो जाएगा 29 ये हो गया बेटा हमारा 6200 डिवाइड बाय 29 बोलो बेटा ठीक है कोई दिक्कत देखते बच्चा अगला सवाल ये कहता है बेटा कि इमेजिन करो कि एक ऑफसोर्स है बेटा एक कार है ना ये कार मान ली जाए ठीक है ये मूव कर रहा है बेटा 10 meters per second से है ना टुवर्ड्स ए फिक्स्ड वॉल है ठीक कहेंगे बेटा द ड्राइवर ऑफ कार ब्लोज हॉर्न इमिटिंग साउंड इन फ्रीक्वेंसी 600 hertz ठीक है बेटा तो कहेंगे फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड ही विल हियर ठीक है बेटा साउंड की वेलोसिटी 300 meters per second ठीक है चलो 310 कर लेते हैं 310 meters per second चलो तो
सर 640 हर्ट्ज 640 हर्ट्ज यस सर ओके लिख तो बच्चा पहले बोलेंगे वेव यहां से अगर आएगी बेटा तो पहले यहां होगी इंसिडेंट है ना बेटा तो इसके लिए बोल सकते हैं बेटा ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया सोर्स है ना तो यहाँ पे जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी गिरेगा F1 का तो F1 क्या बोलोगे F into सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर रेस्ट में है क्या हो जाएगा बेटा V डिवाइड बाय V माइनस Vs बोल बेटा ठीक है ना तो ये हो गया हमारा 620 हर्ट्ज बोल बेटा है ना अब देखो यहां साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी बेटा और फिर ये सुनेगा है ना बेटा तो अब ये बन गया ऑब्जर्वर और ये बन गया सोर्स है ना और कहेंगे सोर्स कितने का फ्रीक्वेंसी दे रहा है बोलो 620 हर्ट्ज F1 का दे रहा है ना बेटा बिल्कुल सही F2 इक्वल टू F1 इनटू अब सोर्स मूव कर रहा है पास जा रहा है तो प्लस 10 बोल बेटा है ना डिवाइड बाय 310 बोल बेटा होगा ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो बढ़ाएगा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा ये 620 इंटू 320 बटा 310 640 हर्ट्ज समझ गए निकले बच्चा डन सर अब चलो होमवर्क करते हैं डिस्कस होमवर्क क्या था बताओ टू पार्ट टू सर स्ट्रिंग वेव में टू पार्ट टू स्ट्रिंग वेव यस सर अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा हो गया था हम लोग का सर ये पूरा हो गया था ओके सर पार्ट थ्री दिया था ना सर हाँ सर पार्ट थ्री दिया था पार्ट थ्री दिया था हाँ सर ठीक है स्ट्रिंग वेव का ना हाँ सर बोलो सर फाइव में सी ऑप्शन भी तो होना चाहिए था ना फाइव में यस सर देखते हैं बेटा फाइव में देखो तू फाइव में कहता है बेटा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ने वेव इज गिवन बाय हमें दिया हुआ है बेटा इसमें क्या क्या है हमें दिया हुआ है वाई डिस्प्लेसमेंट दिया है ना यस सर डाटा क्या क्या पुट करोगे देखो तू एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा एम्पलीट्यूड हो गया 0.2 into 10 to power minus 5 minus 5 ठीक है और ओमेगा कितना हो गया बेटा 500 और के हमारा हो गया बेटा 0.025 यस सर है ना बेटा तो पहला सवाल कहता है वेव वेलोसिटी इज बोल तो बेटा वेव वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा बाई के तो आ गया होगा तुम्हारा है ना पार्टिकल वेलोसिटी इज तो पार्टिकल वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट थोड़ी होता है पार्टिकल के वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा ना यस सर तो हो ही सकता है तो कभी संभव ही नहीं है अब कहता है इनिशियल फेज डिफरेंस क्या लिखा है फेज
डिफरेंस तो बेटा डिफरेंस तो तब ना कहेंगे बेटा जब दो वेव कंपेयर करें, एक ही वेव है यहां तो, यहां तो एक ही वेव है ना, अगर डिफरेंस लिखा हुआ नहीं होता तो सही होता। अच्छा सर, हां डिफरेंस की वजह से ही होगा। और बोलो सर, सेविंग मांगा सर। 7 कहता है बेटा द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 21%, टेंशन को बढ़ा दिया हमने 21%, है ना बेटा। इसका मतलब हो गया टीडेस इज इक्वल टू 1.21T, है ना बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस बाय 15 हर्ट्ज, कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ नॉट ये हमारा है 15 हर्ट्ज, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते बच्चा, टीडेस अगर हम 1.21 कर दिए है ना बेटा, तो एफ कितना होता है बताओ, बी बाई ट्वेल्व ना, ठीक है 1/12 ये हम बोल सकते हैं बेटा रूट टी बाई म्यू, बोल सकते हैं क्या बेटा, एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 1/12 स्क्वायर रूट 1.21 टी बाई म्यू, है ना। तो बोलो तो बेटा एफ डैश बाई एफ कितना हो जाएगा, होगा 1.1 बोलो, ठीक है। तो एफ डैश हमारा हो गया 1.1 F, तो देख बेटा डेल्टा F कितना हो गया हमारा 0.1 F ना बेटा, और ये दिया है 15 हर्ट्ज, इसका मतलब F कितना हो गया 150 हर्ट्ज, ठीक है बच्चा। yes, इसका मतलब पहला सही है ना। यस सर, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस बाय नियरली 4.5%, वेलोसिटी ऑफ वेव ना बेटा, देखो तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हमारा है रूट टी बाई म्यू ना बेटा, है ना बेटा। तो अगर वी डैश की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.21 टी बाई म्यू, यस सर, इसका मतलब 1.1 V बोलो, है ना। तो बोलो भी डेल्टा वी कितना हो गया 0.1 V ना बेटा, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 10% ना बेटा, गलत है ना भी, तो सी सही है। यस सर, ये 0.1 कैसे हुआ, हां डिफरेंस 1.1 माइनस 1। यस सर, फंडामेंटल वेवलेंथ चेंजेस बाय 10%, है ना बेटा। फंडामेंटल वेवलेंथ, फंडामेंटल वेवलेंथ का ना रे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, लैम्डा तो L/2 ना होगा बेटा, ये तो गलत है ना, लैम्डा सेम रहेगा ना। आगे बोलो, 13 का सी, एक और डिफरेंस 13 का सी, 13 देखो बेटा, 13 में कहता है कि वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 600 सेंटीमीटर, देखो बेटा रस्सी की लंबाई हो गई हमारी 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, देखो बेटा जो इस तरह स्टैंडिंग वेव ना बेटा बोलो। यस सर, तो यहां तो क्या लिखते थे हम लोग याद करो, 2a ना बेटा। यस सर, तो 2a है 4 सेंटीमीटर। यस सर, k हमारा है बेटा पाई बाय लैम 15 बोलो। यस सर, है ना। यस सर, कितना है बच्चा 96.5, ठीक है। तो पहला कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 5, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया बेटा एम्पलीट्यूड। यस सर, यस सर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वाला मतलब एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ x क्या हमारा है, ओके 4 sin पाई x / 15 बोलो बेटा, x अगर पुट कर दें तो कितना होगा 5/3 होगा बेटा, ये तो हो जाएगा 2√3 ना बच्चा बोलो। यस सर, सही है, सही है पहला। यस सर, नोड्स आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 n, देखते हैं बेटा नोट्स के लिए क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स जीरो ना बिट जीरो ना बेटा, इसका मतलब पाई एक्स बाय 15 इज इक्वल टू एन पाई बोलो बेटा, साइन लिखा है ना, साइन जीरो कब होता है एन पाई पे ना, इसका मतलब पाई कट गया एक्स कितना हो गया 15, देखो सही है ना। यस सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 7.5, देखते बेटा 7.5 सेंटीमीटर अगर है ना,
ठीक तो देखो तो बेटा एक मिनट 7.5 बन रहे इनका आधा हो गया है ना बाई टू हो गया ना इसके मतलब यहाँ तो एंटी नोड बन रहा होगा बेटा है ना ठीक तो देखते बेटा अगर वाई हमारा ये है वाई दिया ना यहाँ पे yes, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखोगे डेल वाई बाय डेल टी करो तो पुट कितना होगा 4 into 96 into 4 pi into sin तो वही रह जाएगा minus, यहाँ क्या बन जाएगा minus sine यहाँ हो जाएगा minus sine ना बेटा minus sine 96 pi t बोलो बेटा है ना ठीक अब चलो अब t कहता है 0.25 तो t अगर पुट कर दोगे बेटा 0.25 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा sin 24 पाई बोल बेटा yes, तो sin 24 पाई तो जीरो होगा ही होगा yes, तो सही है फिर सी भी yes, अब कहता है सुपरपोजिशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स देखते बेटा इन दोनों को ऐड करके देखो क्या इतना आता है क्या yes, हो जाएगा ये तो वो सी में दिक्कत हाँ आगे चलो y बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैक्सिमम कौन सा 15 पे यस सर हां सर c और d बोलो बोलो इसमें c और d आंसर दे रखा है तो y बराबर 0 पे दोनों एक साथ मैक्सिमम देख लेते हैं कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड अलोंग ए व्हिच वेव ट्रैवल्स ड्यूरिंग इट्स फंडामेंटल ऑसिलेटरी मोशन द एलिमेंट पासेस थ्रू ए पॉइंट एट y इक्वल टू 0 and reaches y equal to ym then string element has maximum kinetic energy at y equal to y dekh lete beta is extreme position pe na hoga bolo y equal to ym kya hai extreme na acha maximum amplitude ho gaya wo to ym matlab extreme position hai beta yes sir extreme pe to zero hoti hai kinetic energy to galat hai ye hai na अब कहता है मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट y इक्वल टू ym मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारा y इक्वल टू ym पे होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगा बात ये है ना बेटा यस सर तो देख तो स्ट्रिंग का शेप बना के देखा जाए ऐसे ना बेटा यस सर है ना मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं निकाल के देखते बच्चा अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx का है ना बेटा ठीक और ये हमारा आ गया थीटा के एंगल पे मान लो है ना थीटा एंगल पे आ गया तो बोलो बेटा इसमें कितना चेंज कर गया लेंथ जो पहले dx था ऊपर क्या हो जाएगा dx से थीटा हो जाएगा ना बेटा बोलो तो बोलो दिख रहा है नहीं सर समझ नहीं आया कोई बात नहीं चलो देखो बेटा डायग्राम में dx देखा अगर मैं ये dx की बात करूं ऊपर नीचे करना बेटा बेटा करना बताओ ऊपर नीचे करना बेटा ऑसिलेट ये तो बताओ बेटा dx जब यहाँ पहुंचेगा तो बताओ क्या ये लंबाई dx ही होगी या dx से कुछ ज्यादा होगी dx से कुछ ज्यादा होगी ये dx है तो ये कुछ ज्यादा होगा ना बेटा yes, sir. है कि नहीं yes, sir. तो इसको बोलोगे dx से थीटा yes, sir, yes, sir. ठीक है ना अब सुनना ध्यान से इसका मतलब इस वाले से इस वाले में इलोंगेशन हो गया yes, sir. कितना हुआ बेटा इलोंगेशन तो कहोगे dx कॉमन कर लेते हैं थीटा माइनस वन यस सर तो अब बताना मुझे जब थीटा हम बढ़ाएंगे तो उससे थीटा बढ़ेगा यस सर इसका मतलब बेटा जिसमें एंगल ज्यादा होगा सबसे उसी में सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा यस सर बोलो बेटा यस सर ठीक है तो थीटा अगर जीरो कर दे तो कितना होगा बोलो इलोंगेशन जीरो यस तो अब बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ कैसा एंगल बन रहा है
जीरो बोलो जीरो तो यहाँ कितना इलोंगेशन है जीरो तो एनर्जी जीरो है ना बेटा यस सर तो सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे है सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे है मीन पे है ना बेटा मीन पे इसका मतलब मीन पोजीशन पे ही सबसे ज्यादा इलोंगेशन है बेटा यस सर तो अब बताओ बी गलत या सही गलत गलत सी सी सही डी सही आगे बात समझ में मीन पे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों मैक्सिमम होती है बेटा है ना आगे चलो सर ओलंपियाड क्वेश्चन अलग ही होते हैं सर क्या बेटा बोलो ओलंपियाड वाले क्वेश्चन सर ये समझ में नहीं आते ज्यादा तभी तो ओलंपियाड के इतने दिया था बक बस साउंड वेव में सेक्शन है सेक्शन भी निकालो साउंड वेव साउंड वेव बोल तो बच्चा सर ए टू बता दीजिए सर एक मिनट ए टू ओरली समझ में ए टू में साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमारी दिया है बेटा 80 हर्ट्ज और स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड चेंज इन फेज एट ए गिवन पोजीशन इन 400 मिली सेकेंड कितना होता है ओमेगा डेल्टा टी ना बेटा ओमेगा डेल्टा टी बोलो तो 2 पाई एफ डेल्टा टी बन जाएगा टू पोजीशन एट 20 सेंटीमीटर क्या लिखोगे के डेल्टा एक्स हो बेटा So, V by omega, omega by V, na? Omega by V, delta X हो जाएगा? ठीक है सर। B2. Earthquake generate sound wave inside the earth. Unlike a gas, the earth can experience both transverse and longitudinal, na beta? Earth कैसा medium है? Solid, na? Yes, sir. Solid में क्या बताया तुमको था मैंने? ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों आता है ना तो कहता है बेटा ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है ये है 4 किलोमीटर पर सेकेंड और लॉन्गिट्यूडनल का है बेटा 4 की अच्छा समझते हो कि नहीं तुम लोग सिस्मोग्राफ जानते हो सिस्मोग्राफ यस सर इंटेंसिटी जो मेजर करता है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी करता है मेजर है ना बेटा कैसे करता होगा मेजर सर उसमें वो एक मोमेंट होता है वो वाइब्रेट करता है उसके साथ देखो साइज लग जाता ये अर्थ का सरफेस है ना बेटा ऐसा है ना तो देख बेटा अर्थ का जो पॉइंट होता है ना पॉइंट ये ठीक ये ऐसे ऐसे भी करता है वाइब्रेट ठीक और ऐसे ऐसे भी करता है वाइब्रेट समझे तो जो ऐसा वाइब्रेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो ऐसा वेव है क्या है ट्रांसवर्स वेव है अर्थ के अंदर से आता है ना वेव बेटा बोलो ठीक है तो अब बताओ अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी है ना बेटा सर जो वर्टिकल वाला है वो तो ट्रांसवर्स होना चाहिए ना बदमाश ये वैसी आ रही है देखो बोलो अगर बिल्डिंग खड़ी है ये तो इस वेव को इस बिल्डिंग के गिरने की संभावना किसमें है लॉन्गिट्यूडनल में कि ट्रांसवर्स में बोलो ऐसे से गिरने गिरेगा या ऐसे हिलेगा तब गिरेगा बिल्डिंग अरे कॉमन सेंस तो लगाओ बिल्डिंग चाहे कोई बनाता हो सुनो बिल्डिंग चाहे कोई बनाता हो है ना हमेशा न्यू बनाता है ना बेटा बोलो मजबूत यस तो इस न्यू जो है क्या इसको ऐसे हिलने देगा नहीं हिलने देगा लेकिन जब ऐसे ही लगा तो क्या होगा जो घर की चार दीवारी होगी बेटा बोलो है ना बिल्डिंग की चार दीवारी जो होगी वो ऐसे हिलने से क्या होगा ये दीवार गिर जाएगा इधर सुन रहे हो यस सर जब ये दीवार गिरेगा तो क्या होगा छत गिर जाएगी नीचे यस सर तो समस्या किससे होती है ट्रांसवर्स खतरनाक है लॉन्गिट्यूडनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना और लॉन्गिट्यूडनल की वेव स्पीड ज्यादा होती है
लॉन्गिट्यूडनल की वेव स्पीड ज्यादा होती है, ट्रांसवर्स की कम होती है, समझा? ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले पहुंचती है, ट्रांसवर्स बाद में पहुंचती है। लॉन्गिट्यूडनल के वाइब्रेशन से हमें पता ही नहीं चलता, समझे बात को? लेकिन सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या बतलाती है, इसको रीड कर लेती है पहले, ये पहले पहुंचता है ना ये ट्रांसवर्स। तो सिस्मोग्राफ जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव को पकड़ लिया पहले कि पहुंच चुका है ये, और ये पहुंच चुका है तो ट्रांसवर्स भी कुछ देर में आएगा, है ना? तो सिस्मोग्राफ बताता तो है कि वो पहुंचेगा, है ना बेटा? लेकिन जब अर्थ तक पहुंचता है सेंटर से आकर के, तो दोनों में समय का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है बेटा, समय का अंतर 2-4 सेकंड का होता है कहो तो, समझा ना? मतलब उतना देर में सिर्फ तुम बचाओ बचाओ चिल्ला सकते हो और कुछ कर सकते नहीं, बात समझे? अंबुजा सीमेंट लगवा सर। अंबुजा सीमेंट से काम नहीं बनेगा, जो आजकल बनती है ना बेटा अर्थ क्विक रेजिस्टेंट, वो कैसे बनती है देखो, कैसे बनती है बिल्डिंग, वो सही डालते हैं कुछ तरह से। उसमें क्या करता है देखो, मैं देखा होगा बनाते हुए, जब बिल्डिंग बनाता है कोई दीवार बनाता है ना बेटा, तो लिंटन डालता है, लिंटन लिंटन क्या करता है, यहाँ डालता है लोहे के, डालते हैं सरिये डालते हैं ना, ठीक। तो अर्थ क्यों कैसे बनता है कि देखो, पहले क्या करेगा कि बेस बना लिया, समझा? अब दीवार खड़ी करेगा ना बेटा, दीवार खड़ी करने से पहले ही सरिये का ऐसा बनाएगा जाल स्क्वायर टाइप का, ठीक है? अब खड़ा करेगा इसके ऊपर दीवार, ठीक। अब दीवार खड़ी करने के बाद जब दीवार थोड़ी ऊपर चली जाएगी ना, तो उसके लिंटन ढालेगा, लिंटन लिंटन ढालता है बेटा यहाँ पे, यहाँ भी डाल देगा ऐसा जाल तार का, ताकि चारों दीवारें आपस में बंधी रहें, है ना? तो चार दीवारें बंधी रहेंगी आपस में, क्या होगा, ऐसे से हिलने से नहीं गिरेगा, वो गिरेगा ही नहीं, समझ में आप? तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है ये, कि 4 किलोमीटर पर सेकंड से क्या आ रहा है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और 8 किलोमीटर पर सेकंड ट्रांसवर्स वेव, और 8 से आ रहा है क्या लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल पहले पहुंच जाएगा ना बेटा, और ट्रांसवर्स बाद में पहुंचेगा ना, यस सर। कहता है बताओ कितना दोनों में समय लगेगा, शुक्र को कहता है बताओ अगर दोनों के पहुंचने में 4 मिनट का अंतर है ना, तो बताओ कहाँ पे जाकर के वो एपी सेंटर है अर्थ क्यूब का, ठीक। तो मान लिया एक्स पे एपी सेंटर है बेटा, अगर एक्स पे एपी सेंटर है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को पहुंचने में समय कितना लगा, x/4, और ट्रांसवर्स को लगा x/8, इन दोनों का डिफरेंट हमारा कितना दिया है 4 मिनट, तो 4 × इसको भी पर सेकंड था ना ये, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, तो बोलो बेटा x निकल जाएगा, yes, sir। और बोलो R2 में आ जाओ, विदाउट है, बोलो R2 में A2 बता देना सर, A2 हो गया पार्ट 2 का, तो ये पता है बेटा रिपल जा रहा है 0.21 मीटर पर सेकंड से, वेवलेंथ हमारा इतना इतना एम्पलीट्यूड, ठीक है? क्या दिक्कत है बेटा, पार्टिकल के वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ए ओमेगा ना बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी, यस सर। तो एम्पलीट्यूड दिया ना 5 मिलीमीटर निकाल लो, वेवलेंथ दिया है फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो ओमेगा निकल जाएगा ना 2πf। और बताओ बी में कोई डाउट, फॉर्मूले हैं देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट 3/3 RT/m, ठीक है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड स्क्वायर रूट 2 RT/m, ये बेटा नहीं नहीं 8 8 8 πRT/m पाई एम है ना बेटा, ठीक। और मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2 RT/m, ठीक है? और साउंड की वेलोसिटी स्क्वायर रूट γ RT/m, ठीक बेटा? कोई भी गैस के लिए गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 2 से कम होती है, है ना बेटा? तो सबसे बड़ा कौन है, RMS, उसके बाद क्या है एवरेज, उसके बाद क्या है मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद हमारा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है सर? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है,
जैसे मान लो 10,000 मॉलिक्यूल है बेटा, है ना, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है ना, जो तो ऐसी स्पीड जो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास कॉमन हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी सब ज्यादा हो मतलब। अच्छा ठीक है, तो चलो बच्चा आगे का देख ले होमवर्क। आगे का होमवर्क में स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 1 का पूरा कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हो गया, 2 पार्ट 3 हो गया, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कर लो, ठीक है। और साउंड वेव में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। कर लोगे इतना? आज एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं हो पाएगी। क्या एक्स्ट्रा क्लास करना है? लगाऊं? नहीं सर, हमारी है, हमारी है। ओके तो क्या किया जाए बताओ, कम करूं? पार्ट 2 ही कर लेंगे सर, ऊपर वाला इतना अब हो जाएगा, देख लेंगे सर, हो जाएगा तो ठीक है सर। ठीक है, आज तक ठीक है, कर लोगे? जी सर नहीं ये मिटा है, साउंड वेव में तक कर लो। चलो सर, एक क्वेश्चन पूछना सर। ये क्या मतलब है? मैं फार्मूला बताता हूं, जाकर देखो। एवरेज मोलर मास फार्मूला होता है n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना बेटा? तो 24% ये है, 36% ये है, छोटे इतना परसेंट ये है ना बेटा, ठीक भाई? मास है ना ये m की वैल्यू है सर, ये तो n1 m1 क्या हो गया बोलो, टोटल मास है ना, पहले का मास, दूसरे का मास और तीसरे का मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल सबका। तो बोल बेटा, अगर टोटल मास m मान लें तो आर्गन का मास कितना हो गया? 0.24 m, है ना बेटा, और आर्गन का 0.32 m प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का 0.44 m, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय, अब बोलो 0.24 m में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, आर्गन में कितना होता है मोलर मास, आर्गन में कितना होता है मोलर मास, 10 ना, वो ना भाई 20 होता है लिखा है, चलो 40 है सॉरी, तो कितना बाय 40 प्लस दूसरे का नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का 0.32 m बाई, ये हो गया बेटा 40, ये हो गया 32, फिर प्लस ये बेटा 0.44 m बाई, कितना इसका है 44। तो बोल बेटा मोलर मास निकल गया एवरेज, मोलर मास एवरेज निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब निकालना हमको क्या होगा, देखो जब गामा तेरे को पता होना बेटा तो होता है आर अपॉन गामा माइनस, एक मिनट, ये होता है सीबी बराबर आर अपॉन गामा माइनस वन, हाँ सीबी इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। तो देख बेटा सबका गामा दिया है ना, सबका सीबी निकाल लोगे, सबका सीबी निकालने के बाद फिर निकालना है तुमको सीबी एवरेज होगा n1 cb1 प्लस n2 cb2 प्लस n3 cb3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। बोल बेटा, ठीक है। तो देखो n1 n2 n3 था तुम्हारे पास ना, यहाँ से उसको पुट करना, यह है n1, यह है n2, यह है n3, ठीक है। सीबी निकल जाएगा एवरेज, फिर सीपी एवरेज निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना, क्या होगा, ये हो जाएगा ना सीबी एवरेज प्लस आर, पता है ना बेटा, फिर गामा निकल जाएगा सीपी अपॉन सीबी, समझ गए। अब इसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड,
रूट ओवर गामा आर टी भाई, हम समझ गए सर। कभी आए सर ऐसे क्वेश्चन? नहीं सर। बी थ्री भी सर ऐसे दे रखा है सर। बी थ्री भी सही है बेटा। एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चा।